500 साल का इंतजार खत्म होने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर एमपी के मुख्यमंत्री निवास में प्राण प्रतिष्ठा जश्न के साथ दिवाली मनाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीये और पटाखे भी जलाए। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात देश में दिवाली जैसा माहौल नजर आया। लोग फिर से दिवाली मनाने में जुटे नजर आए। वहीं सीएम आवास में भी दीपों से उसको सजाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीपोत्सव मनाने के साथ पटाखे चलाए और प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी देशवासियों को बधाई दी। मंदिर के निर्माण से लगा करके आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे 142 करोड़ देशवासियों ने जिस प्रकार से सरकार के साथ खड़े होकर के ये सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पैदा की है, निश्चित रूप से आज पूरा हमारा अपना लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है। पूरी दुनिया इस बात को बहुत अलग निगाह से देख रही है। ये बढ़ते भारत के कदम सांस्कृतिक अनुष्ठान की दिशा में और परस्पर सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। कई सारे तथा कथित लोगों को ये मुंह पे तमाचा भी है जो इसमें वोट का रास्ता ढूंढ रहे थे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को भी बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई। निश्चित रूप से हम आगे जाकर के मध्य प्रदेश में भी भगवान राम श्री राम के जहां जहां चरण पड़े, जहां जहां लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण के भी जहां जहां लीला हुई, वह सभी देवस्थानों को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।